सवाल यह है कि पाकिस्तान से जापान जाऊं तो नमाजें बहुत तेजी से आती हैं ऐसे में जहाज में नमाज पढ़ने का क्या तरीका होगा अहम हाँ, सवाल है इसमें दो तीन बातें मैं उनको वन बाई वन जिक्र करता हूं एक तो जो इन्होंने कहा ना कि ज़ाहिर अब आप सूरज के मुखालिफ सफर कर रहे हैं कि सूरज ईस्ट से निकल रहा है और आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो जहाज यूं जा रहे है, और सूरज यूं जा रहे हैं तो नमाजें तेज तेज आ रही हैं जैसे देखिए पहले तो ये समझने के जहाज में नमाज पढ़ने का तरीका क्या है जहाज में तरीका यह है कि अगर मुमकिन हो खड़ा होना आप खड़े होकर पढ़ लें लेकिन आजकल मुमकिन नहीं है और आयाटा के रूल्स ये हैं कि बगैर वजह के वो आपको खड़े नहीं होने देते तो अगर आपको एयर होस्टेस या एस कह रहे हैं आप ना खड़े हो तो आप ना खड़े हो आप बैठ के नमाज पढ़ लें फिर बैठ के आपको आप एक अंदाजा लगाएं अगर आप राइट नमाज पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें और अगर बिल्कुल मुड़ना मुमकिन मक्का फर्श करें पीछे है तो मक्का पीछे आएगा पाकिस्तान से तो फिर आप सीधा नमाज पढ़ लें इस पर मैंने एक फतवा डिटेल लिखा हुआ है बारह सफे का अप्रूव भी हुआ हुआ है तो आपकी नमाज इस तरह हो जाएगी अच्छा दूसरा मसला ये आएगा कि अगर वज़ू नहीं है तो आप वज़ू जाहिर है जहाज में इतना पानी होता है लेकिन आप जहाज में जब वजू करें ट्रेन में वज़ू करें ये समझ होनी चाहिए कि मुख्तसर वज़ू करें हर उजुफ को तीन तीन मरतबा ना धोएं एक एक मरतबा धोएं क्योंकि पानी कम है नंबर दो तो गंद हो जाएगा और जब आप वज़ू करें तो आप नीचे साफ करें यह ना हो कि लोगों में मशहूर हो जाए गैर मुस्लिमों में कि मुसलमान जब कहीं से निकलता है गंदा करके निकलता है आपने अगर वॉशरूम में वजू किया आप टिशू लेके नैपकिन लेके उसको साफ करें और एक एक दफ़ा हाथ धोए एक ग्लास से आप वज़ू पूरा कर सकते हैं इस तरह का तीसरी बात जैसे मैंने बता दिया आप सीट पे पर बैठे नमाज पढ़ लें चौथी बात अगर ये इस केस में कि आप मुखालिफ जा रहे जोर असर का आपको पता नहीं लग रहा बहुत तेज गुजरी है या मगरबीशा बड़ी तेज है तो आप जमा कर लें नमाज जोर असर मिलाकर पढ़ लें जोर के टाइम पे असर के टाइम पे और असर मगरबीशा को मिलाकर पढ़ लें मगरबी अशा के टाइम पे अहनाफ के नज़दीक ये मिलाकर पढ़ना दुरुस्त नहीं है लेकिन जमूर के नज़दीक दुरुस्त है और हनफी मुफ्तिया ने कराम जो बड़े मौके हैं वो कहते हैं जब मुश्किल हो हाजत हो मजबूरी हो तो हनफी भी दो नमाजों को सफ़र में जमा कर सकता है